अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शानजाज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन क्रेप्स, जो कि बहुत ही हेल्दी और यमी रेसिपी है। आप इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 कप मैदा, फ्लावर, 1 अंडा, 1 कप दूध, 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून सॉल्ट। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे, जैसे कि पैनकेक्स का बैटर होता है, ना बहुत ज़्यादा रनी और ना बहुत ज़्यादा थिक। 1/2 कप दूध मैंने और लिया है क्योंकि मुझे बैटर थिक लग रहा था, ताकि ये राइट कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो चलें, अब हम एक पैन को ग्रीस कर लिया मैंने बहुत कम सा ऑयल लेके, और इसमें मैं तकरीबन 1/4 कप के जितना बैटर ऐड करके तो इसके जो क्रेप्स रेडी कर लूँगी। इसे हमने 1 से 1.5 मिनट तक कुक करना है, ताकि ये अच्छी तरह से अपनी फॉर्म में आ जाए। और ये देखें, ये रेडी हो गया। अब मैं इसकी साइड टर्न कर लूँगी और दूसरी साइड से बस 30 सेकंड्स के लिए मैंने इसको कुक कर लिया और ये रेडी हो गया है। ऐसे ही मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी। तो चलें फिलिंग रेडी करते हैं। 2 to 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, 1 मीडियम साइज़ अनियन ऑमलेट कटिंग में, 1/2 कप मैंने 1/2 कैप्सिकम ली है, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून क्रश चिली, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1 टेबलस्पून केचप। इन सबको सौते कर लेना है आपने, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और 1 कप मैंने बॉयल्ड और श्रेडेड चिकन लिया है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून विनेगर और 1/2 टेबलस्पून सोया सॉस। बस अब इसे मिक्स कर लिया मैंने और ये हमारी फिलिंग जो है रेडी है। ये देखें क्रेप्स कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे बने हैं, आप इसे ट्राई करें जी। इसको इस तरह से आपने बाइंड करना है, जैसे हम पराठे स्क्वायर पराठा बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको फिलिंग सेंटर में रख के इस तरह से आपने इसको बाइंड कर लेना है चारों साइड से। इसी तरह से हमने बाकी भी क्रेप्स रेडी कर लिए। अब मैंने एक पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और इसमें मैं 1 by 1 सब रख के इनको कुक कर लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनको इस साइड से बहुत लो फ्लेम पे कुक करना है मैंने। जब ये हो जाएंगे तो फिर मैं इनको टर्न करके तो लिड कवर कर दूंगी और बाकी ये स्टीम में बिल्कुल सॉफ्ट से रेडी हो जाएंगे जी। तो ये मैंने इनको टर्न कर लिया है, नाइस गोल्डन सा इसका कलर आ गया। अब मैंने इसको कवर कर दिया और 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम कर लिया है। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट और यमी हमारे जो क्रेप्स हैं वो रेडी हो गए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत परफेक्ट और ऑथेंटिक है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में ऊपर जो बेल आइकन का बटन आ रहा है उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी की अपडेट आपको मिल सके।